फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वह टुकड़ों में सोचकर, टुकड़ों में काम करके आगे नहीं बढ़ सकता। आज ये कन्वेंशन सेंटर, ये भारत मंडपम इस बात का भी गवाह है कि हमारी सरकार कैसे होलिस्टिक तरीके से बहुत दूर की सोच कर काम कर रही है। इस जैसे सेंटर्स में आना आसान हो, देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सके, इसलिए आज भारत 160 से ज्यादा देशों को ई कॉन्फ्रेंस वीजा भी की सुविधा दे रहा है। यानी सिर्फ ये बनाया ऐसा नहीं है, पूरी सप्लाई चेन, सिस्टम चेन, उसकी व्यवस्था की है। 2014 में दिल्ली एयरपोर्ट की कैपेसिटी भी सालाना करीब 5 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की थी, आज ये भी बढ़कर सालाना 7.5 करोड़ पैसेंजर हो चुकी है। टर्मिनल 2 और 4 रनवे भी शुरू हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद इसे और शक्ति मिलेगी। बीते वर्षों में दिल्ली एनसीआर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री का भी काफी विस्तार हुआ है। यानी कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का हमने बिल्कुल प्लान वे में प्रयास किया है। साथियों, इसके अलावा भी यहां राजधानी दिल्ली में भी बीते वर्षों में जो निर्माण हुए हैं वो देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसका सर देश की नई संसद देख करके ऊंचा नहीं होगा। आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल है, पुलिस मेमोरियल है, बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल है। आज कर्तव्य पथ के आसपास सरकार के आधुनिक ऑफिसेज, दफ्तर, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। हमें वर्क कल्चर भी बदलना है, वर्क एनवायरनमेंट भी बदलना है। आप सब ने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम से, आज नई पीढ़ी को देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में वहां जानने का मौका मिल रहा है। जल्द ही दिल्ली में, और ये भी आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी, दुनिया के लिए भी खुशखबरी होगी, जल्द ही दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा, और जब मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत भी बनने जा रहा है।